तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप के लिए। तो मेरे पास तीन टेबल है, पहला है कस्टमर का, दूसरा है प्रोडक्ट का, तीसरा है सेल्स का। अब सेल्स की डेटा को आप देखें तो सेल्स में आपका एसआईडी है, पीआईडी है, सीआईडी है, क्वांटिटी अच्छा, है। पीएडी एटले सर। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ जो आईडी है मतलब कि ट्रांजेक्शन आईडी है, पीआईडी मतलब कि प्रोडक्ट आईडी है, सीआईडी मतलब कस्टमर आईडी है, और क्वांटिटी मतलब कितनी में अमाउंट बिका है। हम पीआईडी की बात करें तो पीआईडी में जस्ट पीआईडी है। आप अगर प्रोडक्ट वाले टेबल में जाए तो वहाँ पीआईडी की डिटेल्स दी हुई है कि कौन सा प्रोडक्ट नेम है, अमाउंट कितना है, मतलब एमआरपी अमाउंट मान लीजिए एमआरपी, ठीक है। उसके बाद अगर कस्टमर की आईडी की बात करें तो कस्टमर में जाकर आपके सामने सीआईडी है, नेम है, और आपका सिटी है कि सिटी में, और भी डिटेल हो सकता है, बट हमने सिंपलाइज किया है ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें डेटा चाहिए, और डेटा चाहिए कि जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे रिलेशनशिप, राइट। तो राइट। डेटा टूल में जाते हैं, रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं, और यहां से आप अपने टेबल को उठा के पुट कर सकते हैं, राइट। राइट। तो मेरा जो मेन टेबल है वो सेल्स का टेबल है, कस्टमर टेबल दो अलग अलग है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ सीआईडी को उठाया और उठा के सेल्स के अंदर जो सीआईडी है उस पर ड्रॉप कर दिया, सीआईडी सीआईडी, और हमने इसको क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। देन पीआईडी को मैंने अगेन पीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे देखिए पीआईडी पीआईडी आपके सामने दिख रहा है, और यहाँ हमने इसको क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हैं टेबल कनेक्टेड हो गया। अब कनेक्टेड होने के साथ में हम रिलेशनशिप को सेव कर देते हैं, एक फायदा हुआ। अब मान लीजिए कि मैं प्रोडक्ट वाले टेबल में जाता हूँ तो ये दिख रहा है आपको, प्लस का साइन आ गया एक्सपेक्ट, मतलब ये बताएगा कि बीआई का कितने, मैंने सेल्स में कितने ने परचेज किया हुआ है, राइट। ऐसे कस्टमर में आप जाते हैं तो कस्टमर आपको दिख जाएगा कि कितने। अब देखिए रिलेशनशिप का एक रूल है, रूल ये है कि जैसे कि मैंने सेल यहाँ पे सीआईडी और कस्टमर की सीआईडी को हमने लुकअप किया था, तो सेल्स वाले में आप देखिए सीआईडी कितना बार रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड है, पर कस्टमर में आपका सीआईडी सिर्फ एक बार है। तो जब दो टेबल के बीच में हम अगर ज्वाइन करते हैं तो एक टेबल में यूनिक होना चाहिए और दूसरे टेबल में रिपीटेड होगा चलेगा, दोनों यूनिक होगा फिर चलेगा, लेकिन कम से कम एक टेबल में यूनिक होना चाहिए, क्लियर। क्लियर है। अब क्वेरी पे आते हैं, अब मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें मुझे पूरा यहाँ पे अमाउंट दिखे, प्रोडक्ट आईडी दिखे, प्रोडक्ट का नेम दिखे, सीआईडी दिखे, उसका सिटी दिखे, नेम दिखे, पूरा डिटेल चाहिए। तो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं कहाँ, डिजाइन क्वेरी पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कस्टमर रख दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया, यहाँ पे सेल्स रख दिया। अब यहाँ भी आप जो है लिंक कर सकते हो, बट ऑलरेडी लिंक यहाँ पे लिंक है, अब यहाँ भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको डेटा टूल्स में जाके रिलेशनशिप नहीं करना है, आप क्यूरी के ऊपर भी कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए आईडी, सेल्स आईडी, हमें चाहिए पीआईडी, और फिर पीआईडी के जगह पे उसका नेम, एमआरपी बाद में चाहिए, फिर नेम हमें यहाँ पे चाहिए, सीटी सीआईडी माफ कीजिएगा, सीआईडी रखना भूल गया मैं, सीआईडी, नेम एंड सिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा और यहाँ पे मैंने एमआरपी रखा। अब मुझे क्या करना है कि एमआरपी और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना है। तो राइट क्लिक करके हम जूम करते हैं, और जूम में यहाँ हम करते हैं अमाउंट सेमी कॉलन, ठीक है, और ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं एम आर पी मल्टीप्लाई बाय क्यू टी वाई क्वांटिटी, और इसको क्लोज करते हैं। क्या आया नहीं? नहीं, आपने क्लोज किया, ओके नहीं किया सर। ओ सॉरी।
amount semicolon Qty multiply by MRP. आ गया। अब इसको यहां से हम क्लोज करते हैं क्यूरी वन के नाम से। अब यहां पे देखिए आपके सामने क्यूरी आ गया। अब यहां पे 68 दिख रहा है और यहां पे डेटा नहीं दिख रहा है पाइप में, बी आई है, ऐसा क्यों हुआ? हम एक बार आते हैं सेल्स में, प्रोडक्ट में प्राइस लिखा ही नहीं है। हाँ लिखा ही नहीं, मैं यहाँ चेंज कर देता, चेंज करके यहाँ पे सेव करता। आ गया सर, चेंज कर दे। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया कैसे यूज होता है? ओ समझ में आया सर। अब इसमें एक चीज और देखिए, मान लीजिए मुझे एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, समझ लीजिए। अब कुछ लोग इस पे गलती करते हैं, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे प्रोडक्ट लिया और कस्टमर लिया, ठीक है सर, और सेल्स भी ले लिया, मान रिलेटेड है। और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया और यहाँ पे नेम लिया, यहाँ पे सिटी लेता हूँ तो फिर यहाँ पे एमआरपी लेता हूँ, तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, कर रहा है, कर रहा है। वन नोएडा, वन एक्सल पुणे, वन नोएडा पुणे, एक एक के 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 दिख रहा है सर वो। फिर वो पूरा ए ले लिया ना आपका, सेल्स का पूरा डेटा उठा लिया। हाँ सेल्स का पूरा डेटा उठाया इसने। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है सर। अच्छा